Welcome back to the Thief Simulator game next level. The Thief Simulator mobile gameplay को हमने 6th level तक clear कर दिया है. अब हमें 6th level को continue करना, 7th level को unlock करेंगे 6th level को play करते हुए. Previous videos पर हमने 5th level पर Lamborghini car को चुराया था Thief Town से, और अब हम उसके आगे continue करने वाले हैं. 6th level का objective है go and find the important things and steal them. हमें Thief Town पे important things को ढूंढना है और उन्हें चुराना है. चलिए हम अपनी Lamborghini कार में बैठकर सबसे पहले क्लू ढूंढेंगे important things की, इसके बाद हम उनसे स्टील करेंगे. एक और कार साइड में पार्क है लेकिन हम उसे नहीं लेंगे. यहाँ से सीधे चलेंगे अपने पहले चेक पॉइंट पर. हम पहले चेक पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ से बैक होना होगा. बैक पुलिस के एरिया पर हैं. लगातार रिवर्स गियर में चलेंगे और दूरी बनाएंगे पुलिस से. पहले चेक पॉइंट को हमने हिट कर लिया और हमारा नेक्स्ट टास्क है नाउ गो टू मिसेस हैरीज हाउस. हमें यहाँ से चलना है मिसेस हैरी का हाउस जो कि थोड़ी दूर है, और ये रहा हाउस. फिर से बैक आना होगा. बैक बस अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं. कार को बाहर ही पार्क रहने देंगे ताकि लौटने में आसानी हो. डोर को अनलॉक करेंगे. सीक्वेंस वाइज हमें इसे अनलॉक करना है. 6-1 ये थर्ड सीक्वेंस. सही कोड और सक्सेसफुली हमने गेट को अनलॉक कर लिया है. स्टोर को ओपन करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है स्टोर के अंदर ही है वो पेंटिंग जिसे हमें चुराना है. डोर अनलॉक किया हमने एक ही ट्राई में. ये रही पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग है जिसे हमें स्टील करना है. ये एक एक्सपेंसिव पेंटिंग है. वापस से बैठते हैं अपनी Lamborghini कार पर जिसे हमने लेवल 5 पर चुराया था. गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. फुटपाथ के किनारे से ही हम निकल रहे हैं, रोड के बीच में नहीं पहुंच रहे. और यहाँ पर हमारी कार काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी है. रिवर्स गियर बैक गियर दोनों में काम नहीं कर रहा. हम कार से बाहर आ चुके हैं. हम यहाँ से पैदल अपने नेक्स्ट टास्क तक जा सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूर है. और अगर हम नेक्स्ट चेक पॉइंट तक पहुंच भी गए पैदल तो उसके आगे का रास्ता कवर नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम कार को निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रही है क्योंकि अगर Lamborghini कार हमारी निकल आएगी तो ये बहुत ही तेज भागती है जिससे हम आगे के चेक पॉइंट को बेहद कम टाइम में ही कवर कर सकते हैं. चलिए चलते हैं. हमने एक चेक पॉइंट को क्रॉस किया और अब हमें पहुंचना है मिस्टर स्मिथ के हाउस. ये रहा मिस्टर स्मिथ का हाउस. कार को यहीं पर रहने देंगे और स्मिथ के हाउस के अंदर चलते हैं. चेक पॉइंट ये कोड ठीक है. इस गेट लॉक में कोड पहले ही लिखा होता है डोर को ओपन करते ही. सिंपल ही कोड डालिए और अंदर चले जाइए. 478 और डोर अनलॉक. फाइंड द पेंटिंग इन द हाउस. जहाँ पर पेंटिंग ढूंढनी है हमें, और हमने पेंटिंग को स्टील कर लिया है. दो एक्सपेंसिव पेंटिंग अभी तक हमने इस लेवल में चुराई हैं. गो एंड फाइंड द सेफ प्लेस एंड हाइड. अब हमें एक सेफ प्लेस ढूंढकर सबसे पहले इन पेंटिंग को छुपा देना है. कार में बैठ कर चलते हैं अपनी सेफ प्लेस की तरफ. 1:10 रिमेन है और काउंट डाउन लगातार चलता जा रहा है. यहां से राइट टर्न. शायद हमने चेक पॉइंट को पीछे ही छोड़ दिया है. फिर से बैक करते हैं. 50 सेकेंड से भी कम का टाइम, और यहां पर 40 सेकेंड से भी कम टाइम बचा हुआ है. फाइनल चेक पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स बचे हुए हैं. राइट टर्न यहां से हमें लेना है.
हम यहाँ से पैदल ही चलते हैं अपने चेक पॉइंट की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ। कार बार बार हमारी कहीं ना कहीं रुक जा रही है और ये लेवल कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पर।